दित्य सिंधिया जी फॉर ज्वाइन दिस शो एब्सोल्यूटली लाइव ऑन टेलीविजन सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के एयर uh, इंडिया का हैंड ओवर हो चुका है टाटा uh, ग्रुप को कल ये हैंड ओवर हुआ uh, शायद थोड़ा सा विलंब था क्योंकि ये दिसंबर के अंत तक होना था पर मैं पूछना चाहती हूं कि वॉट इज द वे फॉरवर्ड आगे का रास्ता क्या है एयर इंडिया के लिए क्या लॉसेस की कहानी अब खत्म होगी और क्या एयर इंडिया इस कगार पर है कि वो एक प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन बन सके पहले तो नविका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आ, आ, ये ट्रांजैक्शन संभव हुआ है केवल एक कारण से और वो है हमारे प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति उनका संकल्प कि भारत सरकार का काम एक वातावरण तैनात करने का है जहां व्यापार और बिजनेस फ्लरिश करे और उसी सोच और विचारधारा के आधार पर जिस कम के पिछले चौदह साल के लॉसेस बयासी हजार करोड़ रही थी और जिस कंपनी का डेट करीब करीब एक लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका था उस कंपनी का, का जो बीस करोड़ रुपए का लॉस प्रति का होता था साल का साढ़े सात हजार करोड़ जो आम जनता का पैसा है जो आम हमारे टैक्स पेयर का पैसा है उस पैसा का सुदुपयोग हो ये ना हो कि वो पैसा लॉस को बिटाने के लिए इस्तेमाल हो लेकिन उसका सदुपयोग हो शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधोसंरचना के क्षेत्र में इसी विचारधारा के साथ ये ट्रांजेक्शन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है मैं बधाई देना चाहता हूं टाटा को एक कंपनी जिनकी जिनका जिसका नेतृत्व और जिसकी बीज उन्होंने बोई थी करीब सत्तर साल पहले आज वो कंपनी वापस उनके घर पे पहुंच चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उनके नेतृत्व में उनकी सोच विचारधारा के आधार पर उनकी स्ट्रेटेजी के आधार पर ये कंपनी दोबारा हमारे देश के आ, के आसमान को और अंतर्राष्ट्र के आसमान में भी एक पैठ बनाएगी और अपना जगह जरूर आने वाले दिनों में विश्व पटल पर बना पाएगी दित्य सिंधिया जी आप अपने दफ्तर में हैं अगर आसपास भीड़ ना हो तो क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि मास्क उतार दें ताकि लोग आपको देख सकें बट कोविड का समय है एहतियात बरतने के लिए अगर आसपास लोग हों आपने पहना हुआ हो तो इस पर Uh, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर uh, हमारे दर्शक जरूर आपको देखना चाहेंगे अम्म uh, uh, लेकिन लेकिन सवाल इस वक्त ये भी पूछना चाह रही हूँ ज्योतिरादित्य uh, सिंध्या जी के uh, आपने कहा एक लाख करोड़ uh, रुपए का डेट और बयासी हजार करोड़ रुपए का लॉस इफ दिस इज अमाउंट ऑफ लॉसिस दैट द गवर्नमेंट प्लान टू रीपे दिस डेट इसका कितना बर्डन आएगा एक्सचेकर और ये जो लॉसेस हैं इसकी भरपाई किस तरह होगी क्योंकि ये तो शायद ट्रांसफर नहीं होगा टाटा बजट पे इसका कितना तो मैं आपको पूर्ण रूप से डेटा आपके समक्ष रखूं एयर इंडिया के लॉसेस टोटल मिलाकर करीब पैतालीस हजार करोड़ थे उसके अतिरिक्त उसकी करंट लाइबिलिटीज करीब पंद्रह हजार करोड़ तो आप मान लीजिए इकसठ पैंसठ हजार करोड़ की टोटल लॉस टोटल डेट आ, उस डेट आ, उस ऋण की आ, की बोझ की स्थिति की जो टाटाज ने अठारह हजार करोड़ रुपए का बिड रखा था उसमें से 85 प्रतिशत आ, डेट के प्रति ऋण के प्रति जाएगा तो पंद्रह हजार तीन सौ करोड़ रुपए ऋण के प्रति जाएगा तो वो पंद्रह हजार तीन सौ करोड़ रुपए का ऋण टाटा अपने बुक्स पे लेगी तो सरकार के पास बचेगा करीब 45 छियालीस हजार करोड़ उस पैतालीस छियालीस हजार करोड़ में से जो हम लोगों के नॉन कॉर एसेट्स हैं एयर इंडिया के जो इस विनिवेश में पार्टी के पास नहीं गए हैं वो नॉन कॉर एसेट्स हमारे एसपीवी में आज भी हैं और उसके सेल के थ्रू जो राशि मिलेगी और जो बाकी 2700 करोड़ रुपए है 18000 का 15 प्रतिशत जो टाटा हमको चेक के समेत देने वाली है वो भी इस ऋण के प्रति जाएगा और मुझे विश्वास है कि इन दोनों विचारधाराओं के आधार पर जो बाकी ऋण है एयर इंडिया, तो इंडिया की जो आज एस में चली गई है उस ऋण का भी पूर्ण भुगतान हो पाएगा मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया There are 10,000 employees of uh, Air India. Twelve 12,000 twelve thousand employees. Uh, many of these people have claimed that they have uh, some dues that have been pending with Air India because uh, कईyon का salary cut हुआ था, कईyon को uh, uh, जब Air India uh, मुश्किल uh, हालातों से गुजर रही थी, uh, तो उनके काफी perks वगैरह की भरपाई नहीं हुई थी। We, ये जो हमने नविका जी ये संक्षिप्त में आपको बता दू कि जो हमारे जितने भी आ, हमारे इम्प्लॉईज हैं आ, कामगार हैं उनकी आ, हर तरीके से आ, उनकी आ, रखवाली भारत सरकार ने की है चाहे वो मेडिकल बेनिफिट्स की हम बात करें चाहे उनकी ग्रेचुटी की हम बात करें आ, चाहे आ, जो कमीशन गठित हुई थी उसके आधार पर जो अवार्ड दिया गया था उसके बारे में हम बात करें चाहे उनके पेंशन के हम बात करें और इतना भी कि एक साल तक उन्हें जो कंपनी ने एयर इंडिया को खरीदा है टाटाज ने खरीदा है एक साल तक उनकी जॉब सिक्योरिटी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी मैं पूछ रही हूँ पेंडिंग ड्यूज के बारे में जो पायलट तो मैं कह रहा हूँ जो जितने भी पेंडिंग ड्यूज भी हैं आ, उनके आ, वर्तमान के उनके फ्यूचर के मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं उनकी ग्रेचुअटी उनकी पेंशन की बात है सब पूर्ण रूप से सुरक्षित हमने रख कर ही इस ट्रांजैक्शन को हमने कंप्लीट किया मैं आपसे सवाल ये भी पूछना चाहू मैं मास्क पहन लू क्योंकि मैं एयर इंडिया एयर इंडिया आ, देश का नेशनल कैरियर था टाटास के पास आ, ऑलमोस्ट सेवेंटी इयर्स के बाद वापस गया है लेकिन एयर uh, इंडिया ने इस दौरान में नेशनल कैरियर होते हुए कई ऐसे प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए हैं जैसे इंडियंस uh, को यमन से निकालना कई कई ऐसी चीजें की हैं जो नेशनल सर्विस uh, थी इन फंक्शंस uh, को अब कौन पूरा करेगा uh, ये भी एक सवाल जब uh, मैं आपको बता दू की जब भारत uh, uh, का सवाल आता है और भारतीय नागरिक का सवाल आता है आ, भारत में हर कैरियर और हर कंपनी वो सेवाएं देने के लिए तत्परता से आगे आती है और मैं आपसे बताना चाहता हूं उदाहरण के तौर पे वंदे भारत के मिशन में भी एयर इंडिया के अलावा सारे कैरियर्स ने भी उसमें भाग लिया था तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान ना करे पर अगर कोई आपत्ति की स्थिति अगर भारत पर आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि निजी क्षेत्र के सारे कैरियर्स तत्परता से सामने आगे आएंगे उस सेवा भाव की मुद्रा में और उस भावना के साथ और हमारे भारतीय नागरिकों की रक्षा के लिए हर कंपनी आगे आकर वो सेवा जरूर देगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक एक सवाल ये उठता है कि ये डिस इन्वेस्टमेंट की कोशिश 2001 से शायद चल रही है वाजपेयी जी की सरकार से आज जब ये हुआ है Uh, do you think this is a big red letter day for uh, the civil aviation uh, sector itself? and do you think air india is going to be profitable anytime soon? Well, i think this is a historic day for india, uh, not only for the civil aviation sector. i think you have seen the culmination of a, as you mentioned, navika, a long-awaited transaction, a transaction that was weighing uh, on not only government of india, but on weighing on 130 crore people because as i mentioned to you 7,500 crores of taxpayers' money every year for the last 14 years was being used to fund what uh, was we, you and i deemed as a national carrier. that's not the job of government. the job of government is to provide services and opportunities to the people and this was money much better spent in other social sectors or in infrastructure, which is going to happen now. And on the flip side, and this is why I say it's a win-win situation for everyone concerned. On the fifth side, I am very confident that Air India, under the stewardship of the TATAs, will once again reclaim the skies that it always commanded. Mr. Jyotara, thank Air India ki uh, over or uh, चुनाव का माहौल है और हर नेता के लिए और आप भी लोकसभा के चुनाव और चुनाव की सरगर्मियों को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं हाल ही में आपने अपने पुराने साथी को वेलकम किया आ, बीजेपी में कांग्रेस से बीजेपी में आ, आपके साथ साथी वहां से आ, आ रहे हैं और उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस अब वो नहीं रही जो पहले थी Uh, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये अपने दोस्तों को वहां से यहाँ आमंत्रित करने में आपको कैसा महसूस होता है और uh, कांग्रेस कैसी थी और कैसी नहीं रही देखिए मैं आ, आपके द्वारा आर पी एन सिंह जी को आ, बधाई देना चाहता हूँ उनका स्वागत करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी की सोच और विचारधारा है और वो है प्रगति प्रगति और प्रगति लोगों का उत्थान और अंत्योदय इस अभियान में आज आर सिंह जी भी जुटे हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ जमीनी व्यक्तित्व के धनी है मुझे विश्वास है कि वे भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद उसी भावना के साथ आगे कार्य करेंगे जहां तक आपका प्रश्न रहा मेरे अतीत के बारे में ये मैंने आपसे निवेदन किया है जी कि मैं अपना जीवन अतीत में व्यतीत नहीं करता आप मेरे भविष्य या मेरे वर्तमान के बारे में जरूर प्रश्न करें उसका जवाब मैं जरूर दूंगा पर मैं अपने अतीत में ज्यादा समय में व्यर्थ नहीं करता अतीत तो अब आपका वर्तमान होता चला जा रहा है आपके साथी अतीत के वर्तमान में आपके साथ आ रहे हैं तो ये प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा ये निर्णय नविका जी के ये, ये निर्णय एक एक व्यक्ति का होता है और जो व्यक्ति का निर्णय हो उसे स्वीकार करना चाहे आप उससे सहमत हो या असहमत हो मैं नहीं मानता कि हर चीज पर टिप्पणी करना जिंदगी में सदैव उपयुक्त है जो भी निर्णय हो उसे मानना उसका सम्मान करना और अपना रास्ता अपने आप तय करना ये हमारे जीवन की आधारशिला होनी चाहिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जाति पर ज्यादा जोर दे रही है या काबलियत पर देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार ने जो विकास और प्रगति की लंबी लकीर खींची है उत्तर प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चंद दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी को देगी और ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाई में ले जाने के लिए दोबारा संकलित होगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तरफ एक एक सवाल आपको जाने से पहले पूछना चाहती हूं कि आपने कहा वर्तमान की बात करिए मैं वर्तमान की बात कर रही हूं और आपसे पूछना चाहती हूं कि देश में जिस तरह सत्ता पक्ष जरूरी होता है विपक्ष भी जरूरी होता है इस वक्त विपक्ष की स्थिति देखकर आपके दिल में क्या आता है आप इस देश का भविष्य कैसे देखते हैं क्या सिर्फ सत्ता पक्ष के स्ट्रॉन्ग होने से देश चल सकता है या विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है एक मजबूत विपक्ष रहना प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है इसमें कोई दो राय नहीं है पर जो जिम्मेदारी आज मुझे दी गई है नागर विमानन क्षेत्र की जो जिम्मेदारी दी गई है मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने की उस दोनों जिम्मेदारियों का निर्वाह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं कर रहा हूं और मेरी आ, फोकस और मेरी कोशिश उन्हीं दो मुद्दों पर है आपका बहुत बहुत धन्यवाद नविका जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं चुनाव के मैदान से लड़कर आते हैं लेकिन आप राजनीतिक सवालों से इतना घबराते क्यों हैं है आ, ये मैं बिल्कुल घबराता नहीं।, नहीं हूं लेकिन मैं इस बात में मैं स्पष्ट विश्वास रखता हूं कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का आप निर्वाह करो हर चीज पर टिप्पणी करना हर चीज पर आ, आ, अपना आ, अपनी विचारधारा व्यक्त करना ये जरूरी नहीं है आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करो और उसी तरह राष्ट्र के उत्थान पर हर व्यक्ति कार्य कर सकता है आपका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपके फॉलोअर्स जो हैं जो हमारे दर्शक हैं वो आपको एक युवा नेता की तरह देखते हैं और स्पष्ट कहना भी एक युवा नेता का फर्ज होता है एक उसका दायित्व मैं तो सदैव स्पष्ट कहता हूं आपने मुझे 20 साल का आपका और हमारा रिश्ता बन चुका है मैंने कभी भी स्पष्टता से अलग होकर मैंने कभी अपनी जिंदगी नहीं जी है मैंने सदैव स्पष्ट बात की है आपसे भी जो आप कहते हैं ना पर आजकल आप आजिंग विश्वास करता हूं नविका जी मैं उसमें विश्वास करता हूं यू मस्ट नॉट लिव इन योर पास्ट यू मस्ट लिव इन योर प्रेजेंट एंड बिल्ड फॉर द फ्यूचर दैट हैज टू बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड वो सकारात्मक सोच सदैव जिंदगी में होनी चाहिए तो आ, नकारात्मक चीजें छोड़कर आप सकारात्मक सोच की तरफ आ गए जिंदगी जिंदगी जितना समय जिंदगी में आपको दिया गया है उसका सकारात्मक प्रयोग करो और लोगों का उत्थान हो लोगों की सेवा हो यही हमारी सोच विचारधारा होनी चाहिए और मध्य प्रदेश के लिए कोई खास मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार सेवा भाव के आधार पर कार्य कर रही है उनके नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में भी आने वाले दिनों में दोबारा जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रही और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य मध्य प्रदेश में है या दिल्ली में है मेरा मेरा भविष्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेवा भाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आप बहुत बहुत, बहुत मैं कह सकती हूँ बीस साल में जितना मैंने आपको जाना है आप बहुत संभल के बोलने लग गए हैं आ, कोशिश करेंगे कि ये मास्क कभी भी उतरे कोविड के बाद नहीं मास्क तो उतर गया तो था दो पर दो, मैं मैं कमरे में हूं जहां बहुत सारे लोग इधर उधर भी जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के रहना भी आ, चाहिए मैं, मैंने फिगरेटिवली भी कहा था कि ये जो मास्क आपने आ, सिर्फ जो लिटरली पहना उसकी बात नहीं कर रही हूँ तो, तो हमारे दर्शकों से आप साझा करेंगे मैं मैं तो सदैव साझा करता हूँ अपने दिल की बात मेरे 20 साल में कभी भी अपनी जो दिल की बात है सदैव आपसे और दर्शकों से भी सदैव किया है हमारे साथ जुड़ने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी कोशिश भी जारी रहेगी कि ये पर्दा हटे और ये मास्क हटे और आप अपने दिल की बात करते हुए खत्म हो जाएगा तो आपके समक्ष आपके साथ ही हम खड़े रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद नमस्कार